बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दरभंगा में प्रेस वार्ता के दौरान सीएम नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय झा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है वहां उचित ढंग का राहत और बचाव कार्य नहीं नजर आ रहा है। कई जगह तो प्रशासन लोगों का हाल जानने तक नहीं पहुंचा, लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। मदन मोहन झा ने कहा कि हवाई सर्वेक्षण के बजाय कहीं बैठकर सख्ती से मॉनिटरिंग कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। जब जनता का दर्द है, जनता कठिनाई में है, परेशानी में है, तो हम समझते हैं इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कमी है उसकी ओर सरकार का ध्यान निश्चित रूप से आकृष्ट करना सत्ता पक्ष और विरोधी दोनों का काम है। हम समझते हैं जो बाढ़ आने से पहले, बाढ़ कोई नई बात नहीं है, बाढ़ बराबर से आता रहा है, लेकिन उसका कोई समाधान आज तक नहीं हो पाया। लेकिन सरकार चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, शुरू से ही कहते रहे हैं कि इस बार हम पूरी तरह तत्पर हैं, न तो बांध टूटेगा, अगर टूट भी गया तो जनता को कोई परेशानी नहीं होने देंगे, हमारा पूरा व्यवस्था है। लेकिन जब बांध टूट जाती है उसके बाद कल भी हाउस में बिहार विधान परिषद में हमने कहा था जो सबसे पहले ज़रूरत था, जो लोग फंस गए हैं कहीं, जिनको कि वहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं है, वो नाव से या अन्य कोई माध्यम से उसको सबसे पहले निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो 3 दिन बीत जाने के बाद आज भी हजारों लोग छत पर हैं या कम्युनिकेशन टूट जाने के कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सरकार आज तक उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। दर्जनों मृत्यु हुआ है जिसका कि लोकेशन, कुछ लोग हम जितने एरिया में घूमे हैं उसमें पदाधिकारी ही इस बात को सिर्फ 3 आदमी के लाश का लोकेशन उन्होंने दिया है कि ये 3 आदमी का मिला, जबकि दर्जनों लोग अभी लापता हैं। और वहाँ जो विस्थापित है रोड पर, सभी जगह हम लोग गए हैं, सभी लोगों ने एक आध जगह छोड़ के, सभी जगह ने लोग कहा कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई, ना ही पन्नी का व्यवस्था हुआ है, ना ही उनको खाने का व्यवस्था हुआ है, एकदम भगवान के भरोसे निश्चित रूप से सभी को छोड़ दिया गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, यहाँ के पदाधिकारियों से ही, और पानी जिस तरह से बढ़ रहा है, पुराने जगह को छोड़ के नए जगह में पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम ही जिस रूट से गए थे, सूखा हुआ रूट था, और सुबह जब लौट रहे थे तो उसमें बहुत ठवना पानी था। नए जगह में जहाँ बाढ़ आने की संभावना है या पानी बढ़ने की संभावना है, वहाँ पदाधिकारी को निश्चित रूप से पहले से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और इस दुखद स्थिति में हम सभी लोग से, अपने पार्टी के लोगों से विशेष करके और अन्य आम नागरिकों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो लोग उसमें प्रताड़ित हो रहे हैं, डूब रहे हैं या जिनको कठिनाई, बहुत लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बाढ़ पीड़ितों को यथासाथ जो मदद हो वो करने की कृपा करें, या मैं उनसे निवेदन करता हूँ।